नमस्कार दोस्तों, टेक्निक नासा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 2.5 पिन सॉकेट और 2 स्विच की वायरिंग कनेक्शन आपको बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें दोनों स्विच के एक साथ कनेक्शन करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, कॉपर का वायर है जो सील के मैंने पहले ले रखा है, तो स्विच दोनों के नीचे वाले टर्मिनल में इनको एक दूसरे से कनेक्ट करना है। इस प्रकार से आप कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पूरा देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल आपको 100% है, आप वायरिंग सीख जाएंगे और आप इस प्रकार से आगे भी कोई भी बोर्ड बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आगे भी इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिक वायरिंग संबंधित, आउटडोर फिटिंग संबंधित, रिपेयरिंग संबंधित वीडियो मिलती रहेगी। बेल आइकन को प्रेस करें, इससे कॉल करते उससे कि जब भी वीडियो दूसरी हम बनाएंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो अब इस स्विच से हमें इस पाइप को कनेक्ट करना होगा, इससे ये हमारा जो पाइप है ऑन ऑफ होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में और सॉकेट के साइड वाला जो एल लिखा उस टर्मिनल में आप देख सकते हैं मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसी प्रकार आपको भी करना है दोस्त। अब हम दूसरे स्विच और इसके 5 पिन सॉकेट को, जैसे इस पे 5 पिन सॉकेट एन और एल लिखा होता है दोस्त, कोई भी पिन पे आप देख सकते हैं, एल से हमें स्विच के ऊपर वाले में टर्मिनल में कनेक्शन करना होगा। इससे क्या होगा, हमारा स्विच से सॉकेट वर्क करेगा, ऑन ऑफ होगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं दोस्तों। और अब हम दोनों सॉकेट्स को एक साथ एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा दोस्तों, एन से एन। आप लेकर देख सकते हैं, इसमें हम नोटल की हमारी जो सप्लाई होगी वो भी देंगे। तो आप इस एन से दूसरे सॉकेट के दोनों को एक साथ कनेक्ट करना होगा दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। इस प्रकार से आप कनेक्ट करना है दोस्तों। अब हम फेस के लिए वायर यूज़ कर रहे हैं, आप कलर कोई भी ले सकते हैं दोस्तों। अब स्विच दोनों में से आप किसी में भी, और दोस्तों जान रहे स्विच के हमेशा फेस का वाला कनेक्शन इस वाले टर्मिनल में ही दे। आप कोई भी वायरिंग हो दोस्त, इसको हम फेस इस स्विच के साथ दे रहे हैं। अब इस बोर्ड के अंदर हमें नोटल देना होगा दोस्तों। नोटल के लिए मैं ब्लैक वायर यूज कर रहा हूँ, आप इसमें कोई भी कलर हो तो ले सकते हैं। अब दोनों स्विच सॉकेट्स के अंदर आप किसी में एन लिखा हो उसमें नोटल दे सकते हैं, तो मैं इसमें नोटल का कनेक्शन दे रहा हूँ दोस्तों। आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को ऑल करें, इससे कि जब भी हम दूसरी वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को इलेक्ट्रिक संबंधित मिलेगा दोस्तों। इस प्रकार से हमने वायरिंग कर दी दोस्तों। अब हम इसको आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि हमारी वायरिंग कंप्लीट है या नहीं। जैसा कि रेडीमेड बोर्ड है, इसके अंदर हम वायर को इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। अब हम एलईडी के माध्यम से आपको दोनों सॉकेट्स की वायरिंग टेस्ट करके दिखाएंगे कि हमारी, जैसे आप देख सकते हैं मैंने एलईडी बल्ब लिया है, ऐसे टेम्पलेट बना रखा है, तो आप इससे टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी वायरिंग कम्प्लीट है या कम से फोन का फेस वाले थे परफेक्ट वर्क कर रहा है। दूसरे वाले स्विच को भी हम टेस्ट करके दिखाते हैं, इसके ये वाला भी परफेक्ट काम कर रहा है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं और भी